नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ गौरी और फिट स्टैंड में आपका स्वागत है। आज अगेन हमारा क्वेश्चन एंड आंसर का वीडियो होगा, तो इसमें आपके क्वेश्चंस होंगे और मेरे आंसर्स होंगे। वेट लॉस रिलेटेड आपने बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे पूछे हैं, तो चलिए आज वन बाय वन मैं उनके आंसर दूंगी। तो दोस्तों, पहला सवाल है पल्लवी बद्रीनाथ जी का, आर यू स्टिल कंटिन्यूइंग डॉक्टर दीक्षित डाइट और यू आर यू मेंटेनिंग वेट लॉस थ्रू योर रूटीन एक्सरसाइजेस एंड हैविंग हेल्दी फूड। तो पल्लवी जी, मैं डॉक्टर दीक्षित डाइट प्लान करती थी, मैंने वीडियो भी दिया है कि मैं उस वक्त करती थी, लेकिन अभी मैं 16/8 इंटरमीटेंट फास्टिंग डाइट कंटिन्यू कर रही हूँ। और उसमें जैसे मैंने वीडियो में बताया है कि मैं हेल्दी खाती हूँ और रोज में एक्सरसाइज भी करती हूँ, मेरे योगा भी मैं करती हूँ, उसमें प्राणायाम होते हैं, तो योगा भी बेस्ट है वेट लॉस करने के लिए। तो हेल्दी भी खाना जरूरी है लेकिन एक्सरसाइज भी करना जरूरी है, तो ये सारी चीजें मैं फॉलो करती हूँ। दूसरा सवाल है नीता शाह ने पूछा है, इफ अदर एलिमेंट्स विद डायबिटीज लाइक अर्थराइटिस, बीपी, यूरिक एसिड, थायराइड, डू दे कैन बी कंट्रोल टू। वो दीक्षित डाइट के बारे में पूछ रही है, ये सारी बीमारियां अगर है तो दीक्षित डाइट से वो कंट्रोल हो सकती है क्या? तो नीता जी, ये डाइट प्लान डायबिटीज रिवर्स डाइट प्लान है, तो ये तो बेस्ट है डायबिटीज के लिए, बाकी इन प्रॉब्लम्स के लिए भी ये डाइट प्लान बहुत अच्छा है, लेकिन मेडिकेशन का प्रॉब्लम हो जाता है। डॉक्टर दीक्षित डाइट प्लान में कुछ लोग मेडिसिन नहीं ले सकते, नहीं ले पाते, तो उनके लिए 16/8 इंटरमीडियंट फास्टिंग डाइट बहुत अच्छा है, तो आप मेडिसिन भी प्रॉपरली उस डाइट में ले सकते हो। तो वो आपके ऊपर डिपेंड है आपको कौन सा डाइट प्लान करना है, लेकिन फास्टिंग डाइट प्लान ये अगर आप करोगे तो इन सारी बीमारियों से आप छुटकारा पाओगे, तो फास्टिंग डाइट प्लान इज द बेस्ट। निखिला भोसले इज आस्किंग, व्हाइल डूइंग डॉक्टर दीक्षित डाइट कैन यू प्लीज कंफर्म इफ ड्रिंकिंग ब्लैक कॉफी विदाउट शुगर बिटवीन द 2 मिल्स स्पाइक इंसुलिन, आई यूजुअली ड्रिंक अ कप ऑफ ब्लैक कॉफी बिफोर गोइंग फॉर वॉक। ब्लैक कॉफी से इंसुलिन आपकी स्पाइक, उन्होंने पूछा है ब्लैक कॉफी हम पी सकते हैं क्या 2 मील्स के बीच में फास्टिंग पीरियड में, या सुबह वो कॉफी पी के वॉकिंग करने के लिए जाती है। हाँ, आप ब्लैक कॉफी या ब्लैक टी विदाउट शुगर ले सकते हो, इससे आपका इंसुलिन सीक्रेट नहीं होगा। नम्रता जी पूछ रहे हैं, नम्रता गायकवाड़, फास्टिंग पीरियड में डिटॉक्स ड्रिंक ले सकते हैं क्या, जैसे जिंजर लेमन ड्रिंक, कच्ची हल्दी का ड्रिंक। नम्रता जी, फास्टिंग पीरियड में, कोई भी फास्टिंग पीरियड हो, इसमें ये डिटॉक्स ड्रिंक्स नहीं ले सकते, लेकिन 16/8 इंटरमिटेंट फास्टिंग डाइट का 8 घंटे का ईटिंग विंडो है, अगर आपको चाहिए तो उस 8 घंटे के ईटिंग विंडो में आप ये सारी चीजें ले सकते हो। रश्मि जी पूछ रही है, मेरा फेस बहुत मोटा है, मैं क्या करूं? तो आप फेस योगा कीजिए, मैंने मेरे फेस योगा के 2-3 वीडियोस अपलोड किए हैं, तो आप जरूर देखें। फेस योगा बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे जिस तरह हम बॉडी को टोन करने के लिए एक्सरसाइज करते हैं, बॉडी स्लिम करने के लिए एक्सरसाइज करते हैं, वैसे ही हमारे चेहरे को एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी होता है। हमारे चेहरे पर 54 मसल्स से भी ज्यादा मसल्स होते हैं जिनके लिए एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, तो फेस योगा से आपका फेस थीन कर सकते हो, पतला कर सकते हो, रिंकल्स कम कर सकते हो, और आपका चेहरा आप टोन कर सकते हो, एक्स्ट्रा फैट आपके चेहरे का आप हटा सकते हो, तो बहुत जरूरी है फेस योगा भी, तो आप वो जरूर देख लीजिए। तो ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे आया है, सुप्रिया मात्रे जी ने पूछा है मुझे, आई हैव स्टार्टेड फॉलोइंग डॉक्टर दीक्षित डाइट प्लान सिंस 1 वीक बट माई हेड इज पेनिंग, वॉट टू डू। तो सुप्रिया जी, सभी के लिए एक्चुअली, अगर आपको माइग्रेन है तो माइग्रेन में आप बिल्कुल भी ये डॉक्टर दीक्षित डाइट प्लान ना करें, क्योंकि माइग्रेन आपका बढ़ेगा, माइग्रेन है तो, और ज्यादा ही बढ़ेगा, और बेटर है, बेस्ट है आप 16/8 या बेटर 14/10 इंटरमीडिएट फास्टिंग डाइट प्लान फॉलो कीजिए। उसमें आप अच्छी तरह से आपका ब्रेकफास्ट कर सकते हो, आपका लंच ले सकते हो, फिर आप इवनिंग स्नैक्स ले सकते हो और डिनर ले सकते हो, तो आपको ज्यादा 2-2 घंटे में नहीं खाना है माइग्रेन है तो, लेकिन आपको ज्यादा गैप नहीं लेनी है, ठीक है, तो 3-3 घंटे में या 2-2 घंटे में भी आप खा सकते हो, ऐसा नहीं है, लेकिन वो 14/10 इंटरमीडिएट फास्टिंग प्लान में, ठीक है, तो 10 घंटे का आपको, 10 घंटे का अच्छा सा आपको ईटिंग विंडो मिलता है, तो वो आप फॉलो कीजिए, आपका जरूर वेट लॉस होगा। और नॉर्मल हेडेक है तो इनिशियली थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है हेडेक का, तो डोंट वरी,
थोड़ा सा आपको पहले इनिशियली आपको लगेगा, इनिशियल स्टेज में आपको लगेगा कि आपको थोड़ा सा हेडेक है, आपका सर दुख रहा है, लेकिन बाद में ये हेडेक चला जाएगा जैसे ही आपको ये अच्छी तरह से आप डाइट प्लान करने लगोगे, तो ये रूटीन में आ जाएगा आपके और ज्यादा आपको हेडेक नहीं होगा, बंद ही हो जाएगा हेडेक। दोस्तों ये सवाल बहुत पूछा जाता है कि फास्टिंग पीरियड में क्या मैं लेमन वाटर पी सकता हूँ क्या, नींबू पानी? तो नींबू पानी आप पी सकते हो, और एक सवाल है कि उसमें आप नमक डाल सकते हैं क्या? तो नमक आप आपके स्वादानुसार डालिए, ज्यादा मत डालिए। तो नमक वाला नींबू पानी भी पी सकते हो या सादा नींबू पानी भी पी सकते हो, लेकिन उसमें शुगर भी नहीं डालनी है, तो शुगर मत डालिए। दोस्तों आपके मुझे सवाल आते हैं, हम योगा क्लास आपका कैसे ज्वाइन करें? तो दोस्तों इंडिया बैच मैंने अभी तक शुरू नहीं किया है क्योंकि टाइमिंग्स का प्रॉब्लम होता है, मैं हूँ बहरीन में, तो बहरीन बैच मेरी एक है, उसमें आप आ सकते हो, लेकिन दोस्तों 2.5 आवर्स का डिफरेंस है। अगर दोस्तों आप इंडिया से हो, इंडिया पाकिस्तान से हो, बांग्लादेश से हो, नेपाल से हो या श्रीलंका से हो, अगर आपको मेरा योगा क्लास ज्वाइन करना है तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं, इसके लिए मैं ज़रूर बैच शुरू करूँगी। आई नो दोस्तों छोटे छोटे सवाल होते हैं, लेकिन फिर भी डाइट करने से पहले हमें समझ में नहीं आता कि कैसे करें, तो आप सवाल करते रहे, आप कमेंट्स करते रहे मुझे, मैं आपके कमेंट्स के आंसर हमेशा देती रहूंगी। और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों से शेयर जरूर करें। आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी।